गुरु जी, ये बताइए कि इस बार जो है श्री सीता में किस दिन जो है कि पूजा अर्चना की जाएगी, किस दिन जो है लोग आएंगे वहां पर और किस तरह की व्यवस्था होगी। पिछले बार हजारों की संख्या में जो है कि जन सैलाब उमड़ पड़ा था सरना धर्मावलंबियों का, और इस बार क्या कुछ बदला हुआ स्वरूप होगा, क्या कुछ सरकार के द्वारा होगा, क्या कुछ आप लोगों के द्वारा होगा, क्या मतलब वहां की जो है कि कार्यक्रम को लेकर जो है कि रूपरेखा तैयार की जा रही है, उस पर जरा प्रकाश डालेंगे। इस बार हम लोग सीरा सीता के कार्यक्रम के लिए हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं। और पिछले बार जो कार्यक्रम हुआ था, बहुत अपने तरीके से जो भी हम लोगों ने व्यवस्था वहाँ पर किया वो हमारे लिए काफ़ी नहीं था। रोज़ाना वहाँ कुछ ना कुछ हम लोग बदलाव अच्छा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इस बार झारखंड सरकार के तरफ से काफ़ी बड़ी राशि, 4.5 करोड़ राशि वहाँ पर दी गई है वहाँ के डेवलपमेंट, वहाँ के विकास के लिए। और इसके लिए हम लोगों ने कई दफ़ा, कई सरकारें आई, सभी सरकार को हम लोगों ने मांग रखी थी, डिमांड हम लोगों ने किया था। लेकिन वर्तमान सरकार जो हेमंत सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, और हमारे मैंने तेज तरार नेता मानर विधानसभा के विधायक बंधु तिर्की जी के प्रयास से ये काम हो सका और 4.5 करोड़ पैसा जो है वहाँ पर सेंक्शन किया गया। और अभी वहाँ काम, बरसात के कारण कुछ काम रुका हुआ है। रास्ता काफ़ी ख़राब पहले थी, अब रास्ता भी वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है काफ़ी अच्छा हो गया है। कई घंटे लगते थे वहाँ पहुँचने के लिए, घंटों घंटा हम लोगों को पैदल भी चलना पड़ता था, गाड़ी खराब हो जाती थी क्योंकि माने 4-4 फीट, 5-5 फीट गड्ढे हुआ करते थे रास्ते में। लेकिन अब समतलीकरण हो गया है, सड़क बन गए हैं, इसीलिए अब माने जहाँ लोग 4 घंटा में पहुँचते थे वहाँ अब 1 घंटा 2 घंटा में पहुँचने लगे हैं। तो ये सरकार के तरफ से जो पहल हुआ है ये बड़ा ही सराहनीय है, और इसलिए सरकार को भी हम इस सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत हम हेमंत जी की सरकार को धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात है कि इस बार का जो कार्यक्रम होगा, पिछले बार हम लोग मैंने लाखों की संख्या में जुटे थे, इस बार भी लोग लाखों की संख्या में जुटेंगे और विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न कस्बों से वहाँ पर लोग आएंगे। और मैंने पड़ोसी देश जो हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाहे म्यांमार हो, हमारा अंडमान निकोबार हो, द्वीप समूह, वहाँ से भी हमारे लोग मैंने इस दिन का इंतजार करते हैं। तो इस बार का हमारा जो वहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है वो कार्यक्रम है फरवरी माह के प्रथम सप्ताह का प्रथम बृहस्पतिवार, वो 3 फरवरी को रखा गया है। तो 3 फरवरी को हमारा फरवरी माह का प्रथम बृहस्पतिवार, प्रथम सप्ताह का जो प्रथम बृहस्पतिवार है, गुरुवार जो है, वो 3 तारीख पड़ रहा है। उस 3 तारीख को हम लोग वहाँ लाखों की संख्या में जुटेंगे। और ये संदेश मैं ट्रैवल इंडिया टीवी मनोज सरन जी के माध्यम से इस संदेश को मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों से मैं आने का न्योता और अपील करता हूँ कि आप पूरी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि सुबह जैसा कि हम लोग वहाँ जुटते हैं, आप सालों भर से वहाँ का दर्शन के लिए आप तैयारी करते हैं, तो आप सबों से यही कहना है कि आप अभी से तैयारी करें। और सुबह जो हम लोग वहाँ पूजा करते हैं, सभी लोगों के साथ एकत्रित होके अपने धर्मेश सिंह बोंगा सरना माँ को जो हम सामूहिक तौर से एक जुटान, एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं पूरे दुनिया को, क्योंकि अकेले अकेले आके लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं तो वो मिठास, वो आनंद, वो प्रेम, वो प्यार मने भगवान धर्मेश के सामने भी मने अधूरा लगता है। और इसलिए हम लोग वहाँ एक प्रेम का संदेश, एक भाईचारगी का संदेश, एक एकता के प्रतीक, एकता के सूत्र में बंधकर धर्मेश सिंह बोंगा को सीरा सीता नाले सृष्टि में जो हम लोग जन्मे हैं, ककड़ो लाता का जहाँ हमारा सृजन विरजन हुआ है,
वहां से हम सभी लोग, जितने भी गोत्र के लोग हैं, उतने गोत्र के लोग वहां पर जुटकर पूरे दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम में क्या प्रेम है, हम में क्या भाईचारगी है। हम जितने भी गोत्र का जो विभाजन हुआ यहां से, उतने गोत्र के लोग वहां पर उस समय पर सृष्टि स्थल में सिरसीता नाले में जुटकर संदेश देना चाहते हैं और भगवान धर्मेश को धन्यवाद देना चाहते हैं, अकेले अकेले नहीं, सामूहिक तौर पर। और इसलिए वो समय चुना गया है, नहीं तो मैं अकेला चला जाता और 5 बजे पूजा पाठ करके स्वयं के लिए, तो उसमें मेरा स्वार्थ झलकता कि केवल और केवल मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने जिंदगी सवारने के लिए मैं अपना डिमांड कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर हम लोग सामूहिक तौर पर जुटते हैं और एक सामूहिक तौर पर पूरी सृष्टि के लिए, पूरे दुनिया के लिए, इस संसार के जितने भी मानव या जीव जंतु हैं, सारे लोगों के लिए हम लोग वहाँ दुआ और प्रार्थना करते हैं। धर्मेश सिंह भोंगा से हम लोग मने दुआ करते हैं, मांग करते हैं कि ये सृष्टि को आपने बनाया है, ये सृष्टि चक्र बना रहे और हमारा जीवन चक्र भी चलता रहे। और इसलिए वह पवित्र दिन, इस वर्ष भगवान धर्मेश सिंह भोंगा का ये बनाया हुआ यह सृष्टि, जो दिन हमारे पूर्वजों ने चुना है, चाहे वो रविवार का दिन हो, चाहे वो सोमवार का दिन हो या मंगलवार का हो, यह सारा दिन पवित्र दिन है। लेकिन विशेष दिन जो चुना गया, गुरुवार का दिन, यह बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। पूर्वज, हमारे पूर्वज सृष्टि काल से ही इस बात को जानते हैं कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा बृहस्पति ग्रह करता है और सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी ग्रह करता है और पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा बृहस्पति ग्रह करता है। तो पृथ्वी, सूर्य और बृहस्पति ग्रह, ये तीनों ग्रह जो है हमारे लिए, हम सरना धर्मावलंबियों के लिए ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि के जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए बड़ा महत्व रखता है। इस बात को हमारे पूर्वज जानते थे कि चाहे धरती के नीचे हो या आकाश के ऊपर हो, पृथ्वी का परिक्रमा, सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी कर रहा है और पृथ्वी का परिक्रमा बृहस्पति ग्रह कर रहा है। और इसलिए हमारे पूर्वज पृथ्वी ग्रह की रक्षा के लिए और बृहस्पति ग्रह को धन्यवाद देने के लिए उस महाशक्ति धर्मेश, जिसके द्वारा कि ये दुनिया का संचार हो रहा है, सृष्टि चक्र चल रहा है, उसको बरकरार रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए हम बृहस्पतिवार को विशेष पवित्र का दिन मानते हुए, हमारे पूर्वज उस दिन उपवास व्रत रखते थे, खेत खलियान को नहीं जोतते थे और बहुत माने उस दिन मीट मछली भी लोग नहीं खाते थे, शराब हड़िया का भी सेवन नहीं करते थे, नमक का भी सेवन नहीं करते थे। तो कितना पवित्र दिन मानकर और आज भी इस परंपरा को हम आज भी निभाते हैं और प्रत्येक गुरुवार को हम लोग सरना में या अखरा में या हम लोग जत्रा स्थल में या अपने घर के आंगन में एकत्रित होके उस सृष्टि की रचयिता धर्मेश को हम लोग याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि निरंतर सृष्टि चक्र चलता रहे, जीवन चक्र हमारा चलता रहे। और इस बार हमारा बृहस्पतिवार को हम लोग जैसा जुटते हैं उसी तरह पंक्तिबद्ध होके, एकताबद्ध होके, प्रेम भाव से हम लोग वहाँ पर जुटेंगे और जो समय हमारा वहाँ निर्धारित है, उस निर्धारित समय में हम लोग अनादि प्रार्थना से जो शुरुआत वहाँ पर करते हैं, अनादि
जो कभी नहीं खत्म होने वाला, जिसका ओर और छोर को हम नाप नहीं सकते, जिसकी ऊंचाई और गहराई को भी हम नाप नहीं सकते, उसको धन्यवाद देने के लिए इसका जन्म और सृष्टि, माने जन्म और सृष्टि और इसका अंत हमको पता नहीं है। इसका जन्म कब हुआ, इसका अंत कब होगा, हमें पता नहीं है। उस सृष्टिकर्ता का हम लोग धन्यवाद देने के लिए 3 तारीख पवित्र गुरुवार बृहस्पतिवार को हम सभी सरना धर्मलंबी सृष्टि की चक्र को जीवंत करने के लिए, अपने सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस संसार के जितने भी मानव जीव जंतु हैं सबकी रक्षा के लिए, अपने भारत देश, अपने राष्ट्र की, राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए, अपने झारखंड प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए वहाँ जुटेंगे और सच्चे मन और दिल से हम लोग वहाँ प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा पूरा दुनिया खुशहाल हो, आगे बढ़े, यही कामना के लिए हम लोग वहाँ पर जुटेंगे। ट्रैवल इंडिया टीवी में आज से इतने ही, हमारा एक छोटा संदेश आपके लिए, सृष्टि स्थल सिरसिस्ता नाले आने के लिए हमारा आप सब हमको निमंत्रण है। मैं न्योता दे रहा हूँ, आपको आग्रह कर रहा हूँ, विनम्र मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो भी हैं, जो माता बूढ़ी हो गई हैं, सरना सृष्टि और सिरसिस्ता नाले का दर्शन करना चाहती है, आप उसे दर्शन कराएं और पुण्य का भागी बने, अपने माँ बाप का दर्शन कराएं, अपने बाल बच्चों का दर्शन कराएं, स्वयं भी दर्शन करें, और आप इस संसार में जन्म लेने का अपना कर्तव्य, अपना फर्ज मने निभाएं, अपने माँ बाप को लेके आए, अपने दोस्त यार को लेके आए कि चलो उस सृष्टि स्थल, उस पवित्र स्थल में जहाँ की जीवन चक्र का शुरुआत हुआ था, जहाँ हम भाई बहन के रूप में हमारा सृष्टि हुआ था, जन्म हम लोगों ने लिया था, उस स्थल का दर्शन करने के लिए चलो, जहाँ हमारे पूर्वज हमें सींचा, हमें जीवन में जीने, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, उस पवित्र स्थल का हम दर्शन करने के लिए चलें और लोगों को भी दर्शन कराएं, वहाँ की पवित्रता को बताएं, वहाँ का संदेश हम पूरे दुनिया में दें। ये आप हमारे संदेश को पूरे दुनिया में और अपने अगल बगल के लोगों को भी आप प्रेरित करें वहाँ आने के लिए, जो अज्ञानी हैं सृष्टि स्थल के बारे में, उनको ज्ञान नहीं है, नहीं जानते, उनको भी आप बताएं वहाँ की अच्छाई के बारे में, और वहाँ के सारे लोगों को हम लोग धन्यवाद दें, वहाँ के जो लोग भी हमें सेवा देते हैं, जो भी वहाँ के बहुत सारे लोगों ने वहाँ सृष्टि स्थल के बारे में नहीं जानते हैं या दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनके खेत खलिहान में हम लोग जाते हैं, उनके कुआं से हम लोग पानी पीते हैं, वहाँ के तालाब में हम लोग नहाते हैं, तो बहुत सारी मने तकलीफें उनकी होती होगी, लेकिन उनसे भी हम लोग क्षमा याचना करेंगे, उनसे भी हम लोग निवेदन करते हैं, पूरी आप लोगों के द्वारा मैं उनसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए भी उनसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सिरसिस्ता में आप भी हमें सहयोग करेंगे, गुमला जिला प्रशासन, चैनपुर प्रशासन, चाहे डुमरी प्रशासन हो, या वहाँ के अगल बगल के जो लोग भी, उन सभीों से भी मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमें वहाँ दर्शन करने में आप सहयोग करें, हमें साथ दें, भगवान धर्मेश आपको भी आशीष और कृपा प्रदान करेगा, आपको दुआ मिलेगा, हमारी हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे कि आपके माध्यम से हम उस स्थल, पवित्र स्थल को आप भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, और आप सब हमको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको, आप निश्चित तौर पर सृष्टि स्थल सिरसिस्ता नाले दर्शन करने के लिए आप पूरे मन तन मन धन से आप वहाँ पर आएंगे, मैं पूरी आशा और उम्मीद के साथ, पूरे भरोसा के साथ, विश्वास के साथ आपको निमंत्रण और निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको जोहार, जय धर्मेश, जय धर्म।